मेरे जहन में सवाल है कि एक अमेरिका में बैठा जर्नलिस्ट है, वो विदाउट कोई इंटरनल रिसोर्स जो है वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर देता है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामला हैं, ये बड़े प्राइवेट होते हैं, ये ऑफिशियली इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किए जाते कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस साल में जो है वो इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने, इतना नोट छापा है बाजवा साहब ने। ये मैं नहीं कहती, ये मैं हरगिज नहीं कह रही, इसलिए कोई भी जो है ना मेरी तरफ नाराजगी से ना देखे। जब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब एक्सटेंशनें चाहिए क्यों होती हैं? आप अंदाजा लगाएं सौरिया कजाब ने कितनी बड़ी गुस्ताखियां की हैं, तौहीन मकामे रसालत की है इस शख्स ने, इस जनरल बाजवा के लिए। इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में पाकिस्तान की फौज की सबसे ज्यादा तौहीन हुई है, ये बेवकार हुई है, इसको इमरान खान जैसे बंदे ने जलील करके रख दिया कमर जावेद बाजवा को। और इसकी कमजोरी यह थी कि इसके हाथ की करेक्ट आदमी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से जो जनरल बाजवा है उसकी पोल खुली है, और दोस्तों पोल उस समय पे खुली है जब जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बाजवा है वो अपने पद से त्याग पत्र देने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में इस प्रकार का पोल खुलना कि 6 सालों के अंदर बाजवा ने जमकर पैसे कमाए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तानी आवाम है उनकी नुकसान हुई है। और दोस्तों इस न्यूज के आने के बाद पूरे पाकिस्तान में इस पर बात हो रही है, क्योंकि बाजवा खुद पाकिस्तानी मीडिया का भी ये कहना है कि बाजवा की वजह से पाकिस्तानी आर्मी की इतनी बेइज्जती हुई है कि इसका मजा जो है वो भारत ले रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बाजवा को यहाँ पे तरफ बताया जा रहा है, और दोस्तों ये बिल्कुल झूठी न्यूज नहीं है, क्योंकि जो जिस जर्नलिस्ट ने ये रिपोर्ट निकाली है ये पहले भी एक पाकिस्तानी जो जनरल है उनकी पोल खोल चुके हैं, और उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा था। और दोस्तों इसीलिए CPC जो है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, उस पर भी चाइना ने पैसे देने से मना कर दिया। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बात कर रही है, और आखिरकार पाकिस्तान में इन सब चीजों पे हलचल क्यों है। मेरे जहन में सवाल है कि एक अमेरिका में बैठा जर्नलिस्ट है, वो विदाउट कोई इंटरनल रिसोर्स जो है वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर देता है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामलात हैं, ये बड़े प्राइवेट होते हैं, ये ऑफिशियली इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो जिस तरह से ये सामने आए, तो ये एक आदमी का काम नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ इंटरनल रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और फिर ये कि ये इस खबर के सच्चे होने में झूठे होने में भी बड़ी मतलब खतरनाक सी बात है ना, कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है। जब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों अहमद दुरानी, वही है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, याद है वो पिज्जा वाला जनरल, वो पिज्जा वाले जनरल का जो पूरे दस्तावेज थे, जो पूरे डॉक्यूमेंट थे, इसी ने ये factfocus.com पे डाले थे। उसके पहले मैंने वीडियो डाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे, अगर आपको याद होगा, और उसके करीब 20-25-30 दिन के बाद इसने पिज्जा जनरल के बारे में डाला, तो वो फिर देश से चला गया पाकिस्तान से और रिजाइन करके अलग हो गया। आज इस बंदे ने वीडियो डाला है, जनरल आसिम सलीम बाजवा, इसने ये बोला है कि 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में, और उसके बाद वो यानी न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, अबू धाबी में, अच्छा कराची में कमर्शियल प्लाजे, इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लाजे, लाहौर में कमर्शियल प्लाजे, फिर अहले खाना के, यानी वो एक अब समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशनें चाहिए क्यों होती हैं, क्यों चाहिए होती है एक्सटेंशन, क्यों नवाज शरीफ को निकाला जाता है, क्यों मैनिपुलेशन की जाती है, क्यों सियासत से की जान नहीं छुड़ाई जाती, क्योंकि पैसा, अच्छा बिल्कुल, और अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये जितना पैसा इन्होंने हैरत, ये और वो सारे के सारे, मतलब है कि देखिए, एक तो होती है जेन्युइन, जाहिर है कि जिंदगी सबको प्यारी होती है, साफी भी इंसान ही है जाहिर है, जिन साफियों ने ये रिपोर्ट, जिनके इलम में है और वो रिपोर्ट नहीं किया, मैं समझ सकता हूं मजबूरी, लेकिन खास तौर पे ये जो हर वक्त इस्लामी शरीयत ये जो मजहब फरोश और दीन फरोश, ये मुल्ला अंसार अब्बासी, ये औरिया कजाब और ये हारून रशीद, दाढ़ियां सफेद रखी हुई है, झूठ झूठ बोलते हैं दिन रात, तस्बीह हाथ में, पर झूठ बोलते हैं,
ये इनमें से किसी साफी को जो वहां बैठा हुआ है ये मालूम नहीं था, ये बुलंद सरबासी क्या इन्वेस्टिगेशन यूनिट चला रहा है न्यूज में बैठ के, ये द न्यूज में बैठ के इन्वेस्टिगेशन बड़ा हुआ ना बड़ा ब्यूरो, उधर से कामरान खान बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है। अच्छा कामरान खान तो चलो एक दुनियावी है ना, जो भी है वो तो अपने आप को मान भी गया कि हाँ ठीक है साफत खत्म पैसा ही पैसा, वो तो चलो मानता तो है ना। ये जो मुल्ला खड़े होते हैं शरीयत का नाम लेके, इनमें से किसी ने बुशरा की इमरान खान के दौरे इक्तदार में बुशरा पिंकी की कोई उन्होंने रिपोर्ट किया, फरा गोगी का उसमें से किसी ने नाम लिया, आसिम बाजवा का नाम तो अहमद दुरानी लेकर आया, तो औरिया मकबूल जान ने तो सर औरिया मकबूल जान ने तो ये कहा था कि ख्वाब में नजर आए थे कि जी इनकी कोई बशारत हुई है। अंदाजा लगाए किस कदर गलीज लोग हैं ये दीन फरोश लोग। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिनको बदतरीन मखलूक करार दिया है वो कायनात का खालिक है, उससे बेहतर कौन जानता है। उसने ठीक कहा था कि दीन को बेचने वाले बदतरीन मखलूक है। आप अंदाजा लगाए इस औरिया कजाब ने कितनी बड़ी गुस्ताखियां की है, तौहीन मकाम रसालत की है इस शख्स ने, इस जनरल बाजवा के लिए। और इस जनरल बाजवा ने जो करप्शन की है उसके एविडेंस अहमद दुरानी ने छाप दिए है एड्रेसेस के साथ कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्लाजा है, ये एफबीआर में जो कुछ जमा कराया सब कुछ निकाल के कच्चा छठा उसके सामने, इसकी बीवी का नाम, इसकी बच्ची का नाम, इसके समधी का नाम, वो बेटे का नाम, तस्वीरों के साथ उसने कहा कि ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और ये सारे का सारा काम उस मुल्ला अंसार अब्बासी ने नहीं किया जो मजहब बेचता है तस्वीर पकड़ के हारून रशीद ये कजाब, वो अहमद दुरानी ने किया है जो शरीयत नहीं बेचता इस्लाम नहीं बेचता। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो आप इस्लामाबाद में अगर एक साफी बैठा है वो ठीक है उसके इलम में है लेकिन उसको मालूम है कि मैं ये खबर छापूंगा जाहिर मारा जाऊंगा, तो ठीक है बतौर बाप उसका एक फर्ज है वो अपनी औलाद का जिम्मा उठाए हुए है तो कम से कम जूते तो ना पॉलिश करे ना ये लोग तीनों जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनको मैं क्या कहूँ कि बहुत ही गिरे हुए दर्जे के जर्नलिस्ट जिन्हें कहा जा सकता है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो ये है ना कि चले किसी के मजबूरी आप नहीं कर सकते मजबूरियां समझ आती है, लेकिन इस्लाम का नाम लेकर झूठ बोलना और दूसरे को बुरा कहना इनकी अपनी हालत क्या है अखलाकी। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद इस न्यूज के आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया तो भड़की हुई है क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान एक एक अरब डॉलर जो है वो उसके लिए भीखे मांग रहा था उस समय पर बाजवा का इस तरीके से 6 साल के अंदर कमाई देखना ये समझ में आता है कि जो एलिगेशन जो है वो पूरी दुनिया ये जो पाकिस्तान पर लगाती आती है कि पाकिस्तान के जनरल पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन है वही चोर हैं और इसीलिए पाकिस्तान विकसित नहीं हो रहा है ये बिल्कुल सही है क्योंकि बाजवा जो है वो जिस प्रकार से उसने करप्शन किया है और बाजवा से पहले जो है वो जो सीपीसी के हेड थे वो भी एक जनरल थे आपको पता होगा पिज्जा जिनका पिज्जा का बहुत सारे जो दुकानें थी उनकी पोल खुली थी तो ये सब दिखाता है कि जो जनरल हैं वो आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं लेकिन पाकिस्तानी आवाम जो है वो भुगतती है वो उसका टैक्स का पैसा देती है। और दोस्तों इसीलिए पाकिस्तान विषय काफ़ी ज़्यादा हलचल है और पाकिस्तानी बात भी कर रहे हैं दोस्तों। वैसे भी जो इमरान खान है और इमरान खान की जो समर्थन में लोग हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाजवा के खिलाफ हो चुके हैं और इसीलिए इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से बाजवा मुर्दाबाद के नारे और पाकिस्तान में जो बाजवा है उसके खिलाफ बातें चालू हो चुकी हैं। और दोस्तों इसीलिए बाजवा जो है उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है लेकिन देखने वाली बात है कि अगर उनके तरफ से क्या सफाई दी जाती है लेकिन जिस तरीके से बाजवा की चोरी पकड़ी गई है ये दिखाता है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं और इसके पहले परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया था यानी कि पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं जनरल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आते हैं और चोरी करके निकल जाते हैं और पाकिस्तानी आवाम को उसका टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल INA न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INA न्यूज।